विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। इस पर ज्यादातर क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हैरान हैं। उनमें एक नाम भारत की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान रोहित शर्मा का भी नाम शुमार है। रोहित शर्मा भी विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले से हैरान है। रविवार यानी कि 16 जनवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई है। हालांकि उन्होंने विराट कोहली को शुभकामनाएं भी दी हैं। रोहित शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विराट कोहली के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है और इसके साथ कैप्शन में लिखा है, शॉक्ड लेकिन भारतीय कप्तान के दौर पर सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं विराट कोहली। विराट और रोहित के बीच 36 का आंकड़ा बताया जाता है, लेकिन अक्सर दोनों ने किसी भी तरह की लड़ाई को दरकिनार किया है। भारत की टेस्ट टीम के सबसे सफल कप्तान विराट कोहली ने देश के लिए सबसे ज्यादा 40 टेस्ट मैच जीते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-1 से हारने के बाद उन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप की कप्तानी छोड़ दी। उन्होंने पिछले साल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से कप्तानी छोड़ी थी और दिसंबर में उनसे वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई थी। इसके बाद रोहित शर्मा को सीमित ओवरों की टीम का कप्तान बनाया गया था। माना जा रहा है कि भारत की टेस्ट टीम के कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा भी चयनकर्ताओं की पहली पसंद होंगे। अगर टीम स्प्लिट कैप्टेंसी पर विचार करती है तो फिर केएल राहुल को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम की कप्तानी की थी, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा था। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।